हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का क्विज़ 4। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हिंदी साहित्य का क्विज़ 3, 2, 1 देख लिया है और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया उन वीडियोस का, उन सवालों का, तो दोस्तों उस रिस्पॉन्स के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यह जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं पूछ रहा हूं या जितने इन क्विज़ों में मैं पूछ रहा हूं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं, तो आप पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, आपको हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए आइए चलते हैं हिंदी साहित्य के क्विज़ 4 की तरफ, देखते हैं किस तरह के सवाल हमसे UPSC या गवर्नमेंट परीक्षा पूछती है। पहला सवाल है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत इस ग्रंथ में है। इस ग्रंथ में है, इसके ऑप्शंस हैं ए 252 वैष्णवन की वार्ता, बी भक्तमाल, सी 84 वैष्णवर की वार्ता और डी वचनामृत। तो इसका सही जवाब है वह है बी भक्तमाल। अगला सवाल है, काशी में हम प्रगट भय समानंद चेताए किसकी पंक्ति है। इसके ऑप्शंस हैं ए कबीरदास जी की, बी तुलसीदास जी की, सी सूरदास जी की या डी रैदास जी की। तो इसका जो सही जवाब है वह है ए कबीरदास जी की, ये जो रचना है वह कबीरदास जी की। अगला सवाल है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। इसके सही ऑप्शंस हैं गारसा दत्तासी, बी रामनारायण दुगड़, सी रामचंद्र शुक्ल और डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री। इसका जो सही जवाब है वह है सी रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। अगला सवाल है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है क्या है। इसके जो ऑप्शंस हैं वह हैं ए नायिका भेद, बी काव्याग विवेचन, सी रस निष्पत्ति और डी गुण दोष। इसका जो सही जवाब है वह है बी काव्याग विवेचन। अगला सवाल है, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है। इसके ऑप्शंस हैं ए बिहारी, बी घनानंद, सी मतिराम और डी तोस। तो इसका जो सही जवाब है वह है ए बिहारी को। अगला सवाल है, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है। इसके ऑप्शंस हैं ए भरत मुनि, बी आनंदवर्धन, सी शंकुक और डी अभिनव गुप्त। इसका जो सही जवाब है वह है सी शंकुक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम और डी हिंदी। इसका जो सही जवाब है वह है सी मलयालम। आठवां सवाल है, विश्व वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है। इसके ऑप्शंस हैं ए भारत भूषण अग्रवाल, बी अज्ञे, सी नेमी चंद्र जैन और डी त्रिलोचन। इसका जो सही जवाब है वह है ए भारत भूषण अग्रवाल। अगला सवाल है, मतवाला के संपादक कौन थे। इसका जो ऑप्शंस है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी शिवपूजन सहाय, सी निराला और डी बी व सी दोनों। जवाब है वह है बी व सी दोनों, मतलब शिवपूजन सहाय और निराला। अगला सवाल है, साखी किसका संकलन है। इसके ऑप्शंस हैं ए शमशेर बहादुर सिंह, बी कीर्ति चौधरी, सी हरिनारायण व्यास और डी विजय देव नारायण साही। इसका जो सही जवाब है वह है डी विजय देव नारायण साही। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। इसके ऑप्शंस हैं ए ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है डिंगल पिंगल और चौथा ऑप्शन है अवधि। तो इसका जो सही जवाब है वह है तीसरा डिंगल पिंगल। बारहवां सवाल है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन थे। इसके ऑप्शन हैं ए नंददास, बी कृष्णदास, सी सूरदास या डी कुंभनदास। इसका जो सही जवाब है वह है डी कुंभनदास। अगला सवाल है,
जयसी कृत पद्मावत है, क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए पुराण काव्य, बी धर्म काव्य, सी रूपक काव्य या डी चंपू काव्य। इसका जो सही जवाब है वह है सी रूपक काव्य। अगला सवाल है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? इसके ऑप्शंस हैं ए सूरदास, बी नंददास, सी मीराबाई या डी कृष्णदास। इसका जो सही जवाब है वह है सी मीराबाई की रचना है। 15वां सवाल है, अमीय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार किसकी पंक्तियां हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए बिहारी, बी रसलीन, सी केशवदास और डी घनानंद। तो इसका जो सही जवाब है वह है बी रसलीन। अगला सवाल है, बरवय रामायण किसकी रचना है? इसके ऑप्शंस हैं ए सूरदास जी की, बी तुलसीदास जी की, सी नंददास जी की या फिर डी केशवदास जी की। तो इसका जो सही जवाब है वह है बी तुलसीदास जी की रचना है। अगला सवाल है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शंस है ए स्थाई भाव, बी विभाव, सी अनुभाव या डी व्याभिचारी भाव। तो इसका जो सही जवाब है वह है ए स्थाई भाव। अगला सवाल है, साधारणीकरण संकल्पना के उद्धाता कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए कुंतक, बी वामन, सी भटनायक या फिर डी अभिनव गुप्त। इसके जो सही जवाब है वह है सी भटनायक। 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? इसके ऑप्शंस हैं ए उड़िया, बी बंगला, सी असमिया या फिर डी कन्नड़। इसका जो सही जवाब है वह है डी कन्नड़, जो भाषा है वह द्रविड़ परिवार की भाषा है। 20वां सवाल है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? इसका जो ऑप्शंस है वह है ए बैसवाड़ा, बी आरा भोजपुर, सी बनारस या फिर डी मगध। इसका जो सही जवाब है वह है बी आरा भोजपुर। दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट परीक्षा से संबंधित कोई भी डिस्कशन या फिर कोई भी समस्या या सुझाव शेयर करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है तैयारी कर लो, आप वहां अपनी समस्याओं को कमेंट के द्वारा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और तैयारी कर लो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले क्विज़ में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं।